दीवाने लोग मर्दाने तीनों को खुश बहारा है। दीवाने लोग मर्दाने सच्चा है। आज हम प्रसिद्ध संत नितानंद जी की तपोस्थली जटिला धाम में है। ये वो पवित्र स्थान है जहाँ पे संत नितानंद जी ने तपस्या की और ईश्वर की प्राप्ति की। संत नितानंद जी एक प्रसिद्ध संत थे, गुरु गोमानी धाम उनके गुरु थे। उनके सानिध्य में उन्होंने इस पवित्र स्थली को, जो माजरा गांव में स्थित थी, जटेला धाम, इस पवित्र स्थान को, इस पवित्र नगरी को चुना और यहीं से ज्ञान की प्राप्ति की। संत नितानंद जी के बाद उनकी गद्दी पर वर्तमान पीठाधीश्वर महंत राजेंद्र दास जी हैं। आज हम सबसे पहले महंत राजेंद्र दास जी से ही नितानंद जी महाराज के बारे में, उनके जीवन वृत्त के बारे में हम पूछना चाहेंगे। मैं निवेदन करूंगा महाराज श्री से कि वो उनके जीवन के बारे में हम सबका मार्गदर्शन करें, उनका के बारे में हमें बताएं। सभी दर्शकों को सत साहेब, स्वामी नितानंद महाराज की जय। आज सबसे पहले मैं इस पवित्र जाल के जहां बैठे हैं इसके महत्व के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। 250 वर्ष पहले इस पवित्र जाल के नीचे स्वामी नितानंद जी महाराज ने अपने तहसीलदार पद को ठुकरा करके और अपने नाना जी जो रेवाड़ी के राजा थे सिताब राय जी, वो छोड़ करके यहाँ आके तपस्या की। स्वामी नितानंद जी महाराज कई वर्षों तक इस जाल के नीचे परमपिता परमात्मा की आराधना प्रार्थना की और इस जाल की बड़े महत्व हैं। यह स्वामी नितानंद जी महाराज ने इस जाल को कल्प तरु के समान कहा है। स्वामी नितानंद जी महाराज ने इस जाल के नीचे बैठ करके ध्यान सिमरन किया। स्वामी नितानंद जी महाराज ने इस जाल के नीचे बैठकर ही परमात्मा की प्राप्ति की। महाराज जी ने अपने वाणी में कहा है, जिस बन में प्रीतम मिले धन धन बन सोए, जाल करील सुहावणी रहे कल्पतरु होए। कि जिस बन में परमात्मा की प्राप्ति हुई है वो बन धन्य है। ये जाल का वृक्ष जिसके नीचे हम खड़े हैं और जिसके दर्शन हम कर रहे हैं, ये कल्पतरु के समान महाराज जी ने कहा है। स्वामी जी महाराज ने कहा, परमात्मा की प्राप्ति हुई तो वो कैसा था? एक रोम के तेज में सूरज कोटि अनंत, ऐसी छवि उस वीर की नितानंद बेअंत। के नूर सूरज का और चंद्रमा का प्रकाश हम अपने मुख से कह सकते हैं, लेकिन उस परमपिता परमात्मा का जो हमें अनुभव हुआ है उसके विषय में शब्द नहीं है और मुख से कहा भी ना जा सकता। जिसको कहते हैं गूंगा हुआ, बहरा हुआ, जानत हुआ अनजान। और फिर अंत वेले में इसी जाल के नीचे जब गुरुदेव स्वामी नितानंद दयाल शरीर छोड़ने लगे तो गांव में थे महाराज जी, माजरा में मकान साहब के नाम से जानते हैं आज भी, पहले तो वो गांव से बाहर था लेकिन आज गांव के बीच में है स्वामी जी महाराज का वो स्थान, जिसको आज स्वामी जी महाराज का मकान साहब के नाम से जानते हैं। तो वहाँ जब शरीर छोड़ने लगे तो ध्यानदास, हरिदास बाबा सभी मौजूद थे, गांव के लोग मौजूद थे, महाराज जी के कई शिष्य भी मौजूद थे। तो महाराज जी ने कहा कि इस शरीर को उठा करके जाल के वृक्ष के नीचे रखना। आज तो यहाँ पवित्र स्थान, बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, लेकिन उस समय यहाँ कोई भी स्थान नहीं था, सुनसान जंगल बियाबान था, जंगली जानवरों का डर था। तो महाराज ध्यानदास और हरिदास जी कहने लगे, महाराज जी यदि ऐसे आपके शरीर को जाल के नीचे रखेंगे तो पशु पक्षी आपके शरीर की दुर्गति कर देंगे, जो हमारे लिए ठीक नहीं होगा। तो महाराज जी ने एक अरल कहा, जो प्राणी मर जाए उसे ना जारिए, हाथों हाथ उठाए जंगल में डारिए।
सब पंछी मिल खाएं चीरे चाम को, भर जाए जिनका पेट दुआ दे राम को। ये वाणी महाराज जी की आखिरी वाणी थी और ये वायरल बोल करके वाणी बोल के महाराज जी ने शरीर को छोड़ दिया। तब महाराज जी के पार्थिव शरीर को महाराज जी के शिष्य स्वामी ध्यानदास महाराज और बाबा हरिदास महाराज जी जो गुरु के समान मानते थे और महाराज जी की जो संगत थी और गांव के सभी लोग महाराज जी के पार्थिव शरीर को यहाँ लेकर के आए और इस जाल के वृक्ष के नीचे रखा गया और जो भी था उस दौरान सब किया। घोड़े नगारे ढोल नगारे के साथ महाराज जी के पार्थिव शरीर को लाया गया था। लेकिन जब थोड़ी सी दूर गए, जब लोग सभी वापिस महाराज जी के शरीर को स्थापित करके थोड़ी सी दूर ही गए थे तो एक गड़गड़ाहट की तेज आवाज, महाराज जी का शरीर ऊपर जा रहा था और ऊपर से चरण पादुकाओं गांव के लोगों के बीच में गिरी और यहाँ आकर के देखा तो उस टाइम कुछ भी नहीं मिला। और आज सभी स्वामी नित्यानंद जी महाराज के जितने भी श्रद्धालु हैं, प्रेमी हैं, देश में विदेश में जो भी हैं, सबसे पहले इस पवित्र जाल के नीचे मत्था टेकते हैं। आज हर पूर्णिमा को सत्संग होता है तो भी लोग दीप इस जाल के नीचे ही जलाते हैं और जो हर रोज़ सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं महाराज जी के जाल पवित्र जाल के नीचे मत्था टेकते हैं और आस्था के लिए धागा बांधते हैं। अब तो कम कर दिया धागा क्योंकि ज़्यादा धागे बांधने से जाल सूख जाती है, ये पेड़ सूख जाता है। इस पेड़ को जाल वृक्ष कहते हैं और इसकी जाल की बजाय जो धागे वहाँ पे एक पीपल का पेड़ है उस पीपल के पेड़ के बांधने लग गए हैं। लोगों की अपनी आस्था अपनी भावना होती है, उसको तो लोग अपने भावना वाले या तो भगवान जाने या भक्त जाने। तो ज़्यादातर सभी श्रद्धालु जाल के नीचे प्राथमिक हमारा ध्येय है, हम सभी यहाँ जाल के नीचे मत्था टेकते हैं क्योंकि ये जो पवित्र प्रांगण है जो तब जिसको तपोभूमि जटिला धाम कहते हैं, ये जटिला धाम तभी इसकी मान्यता इसलिए है कि इस जाल के नीचे महाराज जी ने बैठ करके परमपिता परमात्मा की प्रार्थना आराधना सिमरन किया था। इसलिए हम सभी श्रद्धालुओं की आस्था इस पवित्र जाल के नीचे यहाँ बनी हुई है और आज भी महसूस होता है कि स्वामी जी महाराज की अनुभूतियाँ सूक्ष्म जो वेव्स जो तरंगे होती हैं जो पाक और पवित्र हृदय वाले होते हैं वो महसूस भी करते हैं। और बड़े बड़ी ऐसे चमत्कार घटनाएँ, हालांकि संत बाजीगर के खेल नहीं करते, चमत्कारों से दूर रहते हैं, फिर भी जिनके साथ जो घटनाएं घटती हैं वे हम जो सुनते हैं बड़े हैरान होते हैं क्योंकि संत भाव के भूखे होते हैं, दौलत और शोहरत के नहीं। जिनके हृदय में भाव और प्रेम होता है उनके लिए सदा सदा धरती अंबर जाए लेकिन संत की खुशबू शोभा सदा सदा जग में रहती है। और इस जाल के नीचे स्वामी जी महाराज की हम सब की आस्था और भावना जुड़ी हुई है, इसलिए हम सभी इस पवित्र जाल को बार बार दंडवत और प्रणाम करते हैं। स्वामी नित्यानंद दयाल महाराज को बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। महाराज जी, ये इतना पवित्र वृक्ष है और ये क्योंकि आज हम देखते हैं पर्यावरण में कि जाल का नया पेड़ कहीं भी नहीं उगता है, तो हमने इस पवित्र वृक्ष की या इस पवित्र कल्पतरु को जिसको अभी आपने बताया कि महाराज जी ने अपनी वाणी में इसको कल्पतरु कहा है, उसकी सुरक्षा के लिए हम और आगे क्या उपाय करेंगे ताकि ये जो पवित्र वृक्ष है वो सुरक्षित लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। आपने मेरे मन का प्रसन्न कर दिया अच्छा, मेरी दिल इच्छा है कि इस जाल के पेड़ से कुछ कलम बनाई जाए ताकि एक पेड़ की एक कीमत एक टाइम होता है। हालांकि हम सबका मानना है ये 300 वर्ष पुराना पेड़, लगभग 300 वर्ष पुराना तो है ये पेड़ और इससे कलम अगर बन जाए मैं प्रयास कर रहा हूँ और महाराज जी दया मेर करेंगे तो कलम बढ़ाएंगे। और हैरानी की बात और बताता हूँ, अभी जटिला धाम में ये जाल के पेड़ शायद कहीं ना उग रहे हों, 10-20 जाल के पेड़ अभी यहाँ नए उग रहे हैं, नए पैदा। महाराज जी एक विशेष इसको हम बात कह सकते हैं कि क्योंकि आसपास का जब हम वातावरण देखते हैं तो आज बहुत सारी जो प्रजातियां थी पेड़ों की, खासतौर से जाल जिस पवित्र कल्पतरु की हम बात कर रहे हैं वो आसपास कहीं भी नहीं हो रहे हैं और यहाँ 10-12 नए पेड़ पनप रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम ये मानेंगे कि महाराज जी का ये आशीर्वाद होगा ये। और ये जो आप कलम लगाने की बात कर रहे हैं, किसी कृषि विश्वविद्यालय के किसी वैज्ञानिक से
कभी सत्संग समिति ने या आपने इस बारे में किसी वैज्ञानिक से भी सलाह की है? जी मैंने चर्चा की है, उन्होंने फार्मूला तरीका बताया भी था, इस तरीके से तैयार करें, जैसे बारिश का टाइम आएगा इस दौरान इसका करने का एक प्रयास करें, नई फूड जब होगी ना तब एक प्रयास करें। जी जी, जी।